एवरीवन, वेलकम टू माय शो। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन शो की। दोस्तों, दिवाली के 5 दिन के त्योहार की शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। धनतेरस से 5 दिन भाई दूज तक दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। दिवाली पर भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, दिए जलाए जाते हैं, शुभकामनाएं दी जाती हैं, गिफ्ट बांटे जाते हैं, मिठाई से मुंह मीठा कराया जाता है। साल भर का त्योहार दिवाली के लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की असीम कृपा पाने का सुनहरा अवसर रहता है। तो दोस्तों, आपको बता देती हूँ कि आखिर इस दिन क्या काम नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बाल ना कटवाएं, यानी कि शास्त्रों में बताया गया है बाल इंसान की पूंजी होते हैं। इस बारे में महाभारत के अनुशासन पर्व में बताया गया है कि किसी शुभ तिथि या त्योहारों पर बाल कटवाने से इंसान को धन, बुद्धि और ज्ञान की हानि होती है। ऐसे में दिवाली के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता देती हूँ सफेद चीज का दान। सफेद रंग की चीजें माँ लक्ष्मी को बेहद पसंद है, इसलिए दिवाली पर माँ लक्ष्मी को सफेद चीजों जैसे खीर, लैया, बताशा, गट्टा, नारियल, शरीफा समेत कई चीजों का भोग लगाया जाता है। इसलिए दिवाली के 5 दिन के त्योहार में इन सफेद चीजों का दान न दें, जैसे चावल, दूध, आटा, शक्कर या सफेद रंग की मिठाई समेत कई भी सफेद चीज। दिवाली पर 5 दिनों में घर को खाली न छोड़ें। दिवाली पर माँ लक्ष्मी धरती पर रहती है, इसलिए दिवाली के 5 दिनों में घर को कभी खाली न छोड़ें। गरीब को कभी निराश ना करें। तो दोस्तों, आपको बता देती हूँ दान दक्षिणा को हिंदू धर्म में सर्वोपरि बताया गया है, इसलिए अगर आपके घर के बाहर कोई गरीब आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। दिवाली पर धन का लेन देन। दिवाली के 5 दिनों के त्योहार में माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए दिवाली पर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी नाराज हो जाए। इसलिए गलती से भी दिवाली पर रुपयों पैसों का लेन देन ना करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज के ये लक्ष्मी उपाय आपको बेहद पसंद आए होंगे। तो बस आपको क्या करना है, कल से दिवाली है और अच्छे से दिवाली मनाएं, बस आप ये काम ना करें ताकि आपसे माँ लक्ष्मी रुष्ट ना हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये बेहद खास प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही प्रोग्राम को देखने के लिए आपको क्या करना है, बने रहना है इंडिया न्यूज़ फैमिली गुरु के साथ। नमस्कार।